आज अंतरिक्ष की ओर देखने पर यह हमें थोड़ा ब्लैक कलर का दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमारा ब्रह्मांड पूरा ब्लैक कलर का ही हुआ करता था। यह सुनने में भले ही थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यह एक रियलिटी है। अंतरिक्ष के घने काले अंधेरे में अगर आप किसी भी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में पॉइंट करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ भी ना रिसीव करने की होंगी। लेकिन क्या यह सच्चाई है? तो बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं कि अंतरिक्ष के हर कोने से एक स्टैटिक सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आ रहा है, जिसे अंतरिक्ष में मौजूद एनालॉग सैटेलाइट लगातार डिटेक्ट करती रहती हैं। अगर आपके घर में कभी भी ऐसी टेलीविजन थी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि डिश ना आने पर स्क्रीन पर कुछ ऐसे व्हाइट और ब्लैक डॉट्स दिखाई दिया करते थे। ये डॉट्स कुछ और नहीं बल्कि वही स्टैटिक सिग्नल हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये स्टैटिक सिग्नल कुछ और नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का एक दृश्य है, जिसे आप अपनी टीवी के स्क्रीन पर देखा करते थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर अंतरिक्ष की हर दिशा में रिसीव होने वाला ये सिग्नल असल में क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सिग्नल के बारे में इन डेप्थ जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। साल 1927 में जॉस लेमेटर नाम के एक बेल्जियम फिजिसिस्ट ने इंसानों के एक बहुत ही पुराने और जटिल सवाल का उत्तर खोज निकाला। वह सवाल था कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, और उसका उत्तर था द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही छोटे बिंदु से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। इस छोटे से बिंदु में बहुत सारी ऊर्जा और मैटर स्टोर्ड था। किन्हीं अनजाने कारणों की वजह से यह बिंदु अचानक से फैलने लगता है, और इसी तेज गति से होने वाले एक्सपेंशन की वजह से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। 1927 में इस थ्योरी के प्रपोज होने के बाद भी कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो इस थ्योरी को सही नहीं मानते थे, लेकिन साल 1965 तक आते आते ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस थ्योरी पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा 1965 में होने वाली एक बहुत बड़ी डिस्कवरी के कारण हुआ था, जो बिग बैंग होने का एक सॉलिड और डायरेक्ट एविडेंस था। वह डिस्कवरी थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की, जिसे शॉर्ट में CMBB कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इस CMBB के बारे में जानते हैं। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। उस समय हमारा ब्रह्मांड बहुत ही छोटा, डेंस और गर्म हुआ करता था। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक उस समय हमारे ब्रह्मांड का तापमान एब्सोल्यूट जीरो से करीब 273 मिलियन डिग्री ज्यादा हुआ करता था। इतना हाई तापमान होने की वजह से उस समय हमारे ब्रह्मांड में एक भी एटम मौजूद नहीं था। चारों तरफ बस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स ही मौजूद हुआ करते थे। फोटॉन्स लाइट के पार्टिकल्स को कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद ऐसा नहीं था। फोटॉन्स भी ज्यादा लंबी दूरी को तय नहीं कर पाते थे, और उनकी रफ्तार भी आज के मुकाबले बहुत कम हुआ करती थी। इसका सीधा सा कारण है ब्रह्मांड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उस समय हमारे ब्रह्मांड में एटम्स नहीं मौजूद हुआ करते थे, जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इधर उधर मूव किया करते थे। जब लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स से टकराते थे तो उनकी रफ्तार कम हो जाती थी और वह अपनी दिशा को भी बदल लेते थे। लेकिन चीजें हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। हमारा ब्रह्मांड लगातार तेज गति से फैल रहा था, और बिग बैंग से 3,80,000 सालों बाद तक इसका तापमान घटकर 2,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये एक ऐसा समय था जब हमारे ब्रह्मांड में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले थे। इस तापमान पर आने के बाद हमारे ब्रह्मांड में एटम्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई थी। उस समय के ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम्स के एटम ही स्टेबल रूप में मौजूद रह पाते थे। जैसे जैसे इन एटम्स की फॉर्मेशन शुरू हुई, वैसे वैसे ब्रह्मांड में घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में भी कमी आने लगी। अब वह इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस का चक्कर लगाने में बिजी थे, जिस वजह से फोटॉन्स को लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने का मौका मिल पाया। तब से लेकर आज तक ये फोटॉन्स ट्रैवल ही कर रहे हैं, और हम इन्हें लगातार अपनी पृथ्वी पर भी रिसीव करते रहते हैं। एक सेंसिटिव इंफ्रारेड टेलीस्कोप या फिर एक रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट करने पर ये पता चलता है कि ये फोटॉन्स ब्रह्मांड में चारों दिशाओं से आ रहे हैं। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव टेलीस्कोप की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनकी एनर्जी अब बहुत कम हो चुकी है। जब इन फोटॉन्स ने ट्रेवल करना शुरू किया था, तब ब्रह्मांड का तापमान 2,700 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन आज ये तापमान घटकर के -270 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तापमान के कम होने की वजह से
इन फोटॉन्स की एनर्जी में भी एक बहुत बड़ा डिक्रीमेंट यानी गिरावट देखने को मिली है। तापमान के अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे प्रोसेस की वजह से भी इन फोटॉन्स की एनर्जी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। यही कारण है कि आज हम इन फोटॉन्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लो एनर्जी वेवलेंथ वाले ग्राफ में डिस्कवर कर पाते हैं। इनमें से ज्यादातर फोटॉन्स आज लो एनर्जी माइक्रोवेव के रूप में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। जब इन फोटॉन्स को कलेक्टिविटी स्टडी किया जाता है तो हमें ब्रह्मांड चारों तरफ से ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इसी ग्लो को वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट है, जिसने बिग बैंग होने के 3,80,000 साल बाद ट्रेवल करना शुरू कर दिया था। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नक्शा असल में कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके डिस्कवर होने की कहानी। तो आइए इसे भी जल्दी से जान लेते हैं। दरअसल साल 1948 में रॉल्फ एफर नाम के एक वैज्ञानिक बिग बैंग पर स्टडी कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत सच में बिग बैंग से हुई है तो हमारे चारों तरफ एक कांस्टेंट रेडिएशन मौजूद होनी चाहिए जो हर दिशा से इक्वल मात्रा में पृथ्वी पर आ रही हो। रॉल्फ को यह कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर इस रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे किया जाए। इसके बाद 1960 के दशक में रॉबर्ट डिक नाम के एक वैज्ञानिक इस रेडिएशन को डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। वहीं उसी समय न्यू जर्सी में दो वैज्ञानिक कैसोपिया ए नाम के एक कॉन्स्टेलेशन पर बहुत ही सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप के जरिए स्टडी कर रहे थे। जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप को इस कॉन्स्टेलेशन की ओर पॉइंट किया तो उन्हें एक बहुत ही फेंट सिग्नल रिसीव होने लगा, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। उन्होंने टेलीस्कोप को आकाश के दूसरे एरियाज में पॉइंट करके चेक किया, लेकिन यह फेंट सिग्नल मानो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पेंजियास और विल्सन ने अपने टेलीस्कोप को रीचेक किया और ये देखा कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन उन्हें सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट मिली। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचे कि असल में ये रेडिएशन टेलीस्कोप की कोई एरर की वजह से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में होने वाले किसी रियल इवेंट की वजह से आ रही है। एक तरफ ये दो वैज्ञानिक इस बैकग्राउंड रेडिएशन का कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट रॉबर्ट डिक अपने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अंत में पेंजियास और विल्सन को रॉबर्ट डिक के बारे में पता चलता है और वह उन्हें कॉन्टेक्ट करके अपनी डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। फाइनली कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1965 के द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में ये दोनों ही वैज्ञानिक और रॉबर्ट डिक अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, जहां पेंजियास और विल्सन को इस बड़ी खोज के लिए एक नोबेल प्राइज मिलता है, तो वहीं रॉबर्ट डिक को अपनी थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके सोर्स की वजह से एक समय पर हमारा ब्रह्मांड इस नारंगी रंग के शेड का हुआ करता था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ओपेक हुआ करता था। ओपेक एक ऐसे मीडियम को कहा जाता है जिससे लाइट किसी भी तरीके से पार नहीं हो पाती। उस समय ब्रह्मांड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लाइट लंबी डिस्टेंस तक नहीं ट्रेवल कर पाती थी। इसी वजह से यूनिवर्स में दूर दूर तक देख पाना पॉसिबल ही नहीं था। रॉबर्ट डिक के मुताबिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का टेम्परेचर करीब 3 डिग्री केल्विन के आसपास होना चाहिए था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअल रिसर्च होने के बाद ये पता चला था कि इस माइक्रोवेव रेडिएशन का टेम्परेचर 2.73 केल्विन है, जो रॉबर्ट द्वारा प्रेडिक्ट किए गए टेम्परेचर से बहुत ही क्लोज है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट और सैटेलाइट के जरिए और ज्यादा डीप एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि इस बैकग्राउंड रेडिएशन का तापमान हर जगह सेम नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि हमारे ब्रह्मांड का आधा हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से थोड़ा ज्यादा गर्म है। जहां ब्रह्मांड के एक हिस्से का तापमान 2.724 केल्विन था, तो वहीं दूसरे हिस्से का तापमान 2.732 केल्विन था। ये भले ही एक बहुत छोटा डिफरेंस हो, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मैप को 2.73 केल्विन के एवरेज टेम्परेचर से देखते हैं तो वह हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये पूरी तरीके से ग्रीन इसलिए है क्योंकि हमने इसमें किसी भी एक्स्ट्रा फैक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। अगर हम ब्रह्मांड के स्टार फॉर्मिंग रीजन्स और मिल्की वे में ऐसे आने वाले रेडियो और माइक्रोवेव रेडिएशन को हटा देते हैं तो CMB का मैप कुछ ऐसा दिखाई देगा। यही वह एक्चुअल मैप है जिसे वैज्ञानिक भी अपनी ज्यादातर रिसर्च पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप मुख्य रूप से दो तरह के रीजन्स को देख सकते हैं, ऑरेंज एंड ब्लू।
ये कलर्स कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के तापमान को दर्शाते हैं। जहां ऑरेंज कलर के रीजन्स गर्म एरिया को दर्शाते हैं, तो वहीं कंपैरेटिवली ठंडे एरियाज को दिखाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मैप में विजिबल टेम्परेचर डिफरेंस होने के कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है क्वांटम फ्लक्चुएशन। जब हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा छोटा था, तब इसमें कुछ रैंडम क्वांटम डिफरेंसेस भी मौजूद थे। तेज रफ्तार से इन्फ्लेशन होने की वजह से ये छोटे डिफरेंसेस बहुत बड़े होने लगे और अंत में ये इतने बड़े हो गए कि ये कॉस्मिक स्केल तक पहुंच गए। इस चीज को समझने के लिए आप एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उस पर एक छोटा सा काले रंग का डॉट बना दीजिए। उसके बाद आप उस गुब्बारे को फुलाना शुरू करिए। जैसे जैसे गुब्बारे का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वह डॉट भी बड़ा होता जाएगा। अंत में वह छोटा सा डॉट बहुत ही बड़ा हो चुका होगा और साथ में ही उसका कलर भी फेड हो चुका होगा। यह कलर का फेड होना डेंसिटी में होने वाले डिक्रीमेंट को दर्शाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड का साइज बड़ा होने लगेगा, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी कम होने लगेगी। आज भी हमारा ब्रह्मांड बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है। चीजें एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी तेजी से दूर जा रही हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि भविष्य में एक ऐसा भी समय आएगा जब किसी भी आकाशगंगा को देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। उससे आने वाली लाइट दूरी की वजह से हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी और हम उस ब्रह्मांड के अंधेरे में खोते चले जाएंगे और अनंत काल तक हमारा ब्रह्मांड इसी तरीके से फैलता रहेगा। दोस्तों, आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर लगातार रिसर्च चल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंसानों की हिस्ट्री में हुई कुछ सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, जिसके कारण हम ये जान पाए कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कैसे बना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप साइमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।